चंदन कियारी में आज जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष जमीन को कब्जा करने के लिए पूरे पारंपरिक हथियार और आदिवासी झंडे के साथ पहुंच के कानून की धज्जियां उड़ा दी। मामले की जानकारी पूर्व में एक पक्ष के द्वारा जिले के आला अधिकारियों को दिए जाने के बाद मौके पर धारा 144 लगा दी गयी। धारा 144 लगे रहने के बाद भी आदिवासी समाज के लोग मौके पर पहुँच कर बवाल करते हुए नजर आए। हालांकि मौके पर मौजूद प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर मौके पर रोके रखा, लेकिन आदिवासी समाज के लोग प्रशासन से लिखित मांग पर अड़े हुए थे। जानकारी के मुताबिक चंदन कियारी के रहने वाले चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी और वृंदावन उराव के बीच एक जमीन को लेकर विवाद था। जिस जमीन का विवाद वृंदावन उराव के द्वारा बताया जा रहा है, उस जमीन पर चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी का ITI संचालित हो रहा है। इस विवाद को देखते हुए वृंदावन उराव के द्वारा पूरे चंदन कियारी क्षेत्र में आदिवासी समाज के बीच पर्चा बांट कर आज के दिन जमीन को दखल करने की घोषणा की थी। इसी को देखते हुए चंद्रिका सिंह चौधरी ने जिले के आला अधिकारियों को इस कार्रवाई करने की मांग की थी। इस पर जिला प्रशासन ने 144 लगा रखा था। वृंदावन उराव अपने समर्थकों के साथ पारंपरिक हथियार और आदिवासी झंडे के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन में दखल करने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों ने उन्हें रोका और वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वृंदावन उराव अधिकारियों से लिखित मांग कर रहे थे। वहीं इस घटना के बाद चंदन कियारी में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं इस मामले को लेकर चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी ने कहा कि उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए घर में रहने का काम किया है और ये पूरा मामला न्यायालय का है, लेकिन इस तरह का माहौल उत्पन्न करना कहीं से सही नहीं है। वहीं वृंदावन उराव ने कहा कि ये जमीन विवादित है, हमें न्याय नहीं मिल रहा, इस कारण हमने आज इस तरह का कदम उठाया है। अधिकारियों को इस प्रकार की कार्रवाई सभी पक्ष को देख कर करनी चाहिए। वहीं मौके पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मेघलाल महतो ने कहा कि पुलिस ने सभी को बाहर रोकने का काम किया, क्योंकि ये मुख्य सड़क थी, उसी के लिए ये लोग जमीन के पास पहुंच गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन लोगों के द्वारा नहीं की गई। ये मामला वरीय अधिकारियों के संज्ञान में है। जमीन का मामला होने के कारण इन लोगों के द्वारा इसका निष्पादन किया जाएगा। चंदन कियारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। गोपाल देव से 7 डिसमिल रजिस्ट्री कराया, 7 डिसमिल कराने के बाद इसे हम पहले हम इसको पहले पैसा दिए थे, आज 2 साल पहले ही, 2-3 साल पहले ही इसको पैसा दे रहे थे। ओके, पैसा देते आ रहे थे। वो आप पहले हमको बाढ़ बेड बाउंड्री सब कुछ कर दिया, एक वो रूम भी हम बनाए। पैसा किनको दे रहे थे? हम नंद गोपाल देव को बोला मेरा जमीन है यहाँ, हमको आप पैसा दीजिए, हम रजिस्ट्री जल्दी मूल्य का हम कर देंगे। हम इसको पैसा देते आ रहे हैं, पैसा देते आ रहे हैं। जब हमारा जरूरत हुआ कि हम आप सक्षम होंगे आपका जमीन लेने के लिए, आप रजिस्ट्री कर दीजिए, ये हमको रजिस्ट्री कर दिया। कितना पैसा इनको दिए? हम इसको दिए थे 7 लाख रुपया। अभी क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्री जो हुआ वो रजिस्ट्री से पहले ये हमको बेड बाउंड्री और एक रूम बना दिया। लग रहा है इसमें प्रशासन का कमजोरी है न, क्या बात है ये समझना मुश्किल है। नहीं तो दूसरा आदमी तो 144 में उतना जमघट तो नहीं जाना चाहिए था। अब प्रशासन समझे कि क्या बात है, किस तरह का डर है प्रशासन को कि उन्होंने 144 में भी सबको जाने दिया है। लेकिन इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती किसी पर दबाव मोम लंचिंग जैसा काम उन लोग ने किया है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। पेपर मेरा कोर्ट का ही मैटर, ये तो कोर्ट का जी, चूँकि अभी तक तो जो आए हुए हैं वो अपना दिखा रहे हैं कागज़ कि जमीन जो है हमारा है, हम रजिस्ट्री कराए हुए हैं, तो हम लोग जो है वार्ता के लिए लगे हुए हैं। अंचल के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं तुरंत, है ना, क्योंकि अभी तक शांतिपूर्ण ही सब है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।